The Lallan Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। सारी नजरें हैं बंगाल, असम या फिर तमिलनाडु जैसे राज्यों पर जहां विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, इसी साल हैं। इसी बीच खबर आ जाती है कि एक ऐसे सूबे में सीएम बदल सकता है जहां चुनाव अगले साल जाकर होंगे, उत्तराखंड। आखिर ऐसा क्या हुआ है उत्तराखंड में कि भाजपा को वहाँ ऑब्जर्वर भेजने पड़े, अपने खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली तलब किया गया। दी ललन टॉप शो में आज समझेंगे कि उत्तराखंड में चल क्या रहा है, जहाँ चुनाव होने हैं उन राज्यों की भी बात होगी। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू हो गया है, उसमें क्या हुआ ये भी बताएंगे। साथ में बाटला हाउस एनकाउंटर्स मामले से जुड़ी एक खास जानकारी, एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, वो भी आपसे बांटेंगे। लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो गुजरात के कच्छ का है। यहाँ के कुछ किसान लखपत नखत्राणा मार्ग पर ट्रैक्टर लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे। इनका कहना है कि बिना उनकी अनुमति के उनके खेतों से एक प्राइवेट कंपनी बिजली की लाइन डाल रही है। बिजली कंपनी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उन्हें भारी पुलिस बल की सुरक्षा भी दी गई है। किसानों का कहना है कि आज खेतों में पोल लगने का काम शुरू हुआ, जिसका विरोध करने पर किसानों पर लाठियां चलाई गई। वीडियो उसी विरोध प्रदर्शन के दौरान का है। किसानों ने ट्रैक्टर लगाकर सड़क जाम कर दी, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया और भगदड़ मच गई। किसान कह रहे हैं कि उनसे पूछा नहीं गया और खेत में एक प्राइवेट कंपनी की बिजली की लाइन डल रही है, विरोध करने पर वो पिट जा रहे हैं। इसके बाद वही कहना बचता है जो लाखों बार कहा जा चुका है, कि हमारे समय की सबसे ज़रूरी तस्वीरों में से एक है। इस पर विचार कीजिएगा। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई है। दूसरे चरण के वैक्सीनेशन के बीच एक बार फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा, इन सारे राज्यों में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 18,599 नए मामले सामने आए हैं, जिनके साथ कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,12,29,398 हो गई है आधिकारिक रूप से। कुल सक्रिय मामलों की संख्या फिलहाल 188,747 है, जबकि देश भर में कुल 2,09,89,010 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 97 लोगों की मौत भी हुई। अब तक कुल 157,853 लोग मौत के भेंट चढ़ चुके हैं कोरोना की वजह से। दूसरी सुर्खी बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ी है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी आरिस खान को दोषी करार दिया है। 15 मार्च को आरिस खान को सजा सुनाई जाएगी। बाटला हाउस एनकाउंटर 19 सितंबर 2008 की सुबह हुआ था। तब स्पेशल सेल को इंडियन मुजाहिदीन के कुछ संदिग्ध आतंकियों के बाटला हाउस इलाके के एक मकान में छिपने की सूचना मिली थी। मकान नंबर L18 में हुए एनकाउंटर में दो संदिग्ध आतंकी मारे गए थे, जबकि इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए थे। 2008 में दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद में हुए धमाकों में आरिस का नाम मुख्य साजिशकर्ताओं के रूप में शामिल था। धमाकों के बाद आरिस पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित हुआ था। आजमगढ़ के रहने वाले आरिस खान को स्पेशल सेल ने फरवरी 2018 में नेपाल से गिरफ्तार किया था। तीसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई शुरू हो गई है। 5 जजों की बेंच 18 मार्च तक इस मामले की सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर सभी राज्यों को सुना जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी करके पूछा है कि क्या आरक्षण की सीमा को 50% से आगे बढ़ाया जा सकता है। 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को 16% आरक्षण देने का फैसला किया था। सरकार के फैसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
हाई कोर्ट ने जून 2019 में आरक्षण के दायरे को 16% से घटाकर शिक्षा में 12% और नौकरी में 13% कर दिया था। साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि अपवाद के तौर पर राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की आरक्षण सीमा पार भी की जा सकती है। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सुनवाई के लिए बड़ी बेंच बनाए जाने की बात कही थी। अब मराठा आरक्षण के मामले की सुनवाई 5 जजों की बेंच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी 15 मार्च की तारीख को। अलग अलग राज्यों की सरकारें अपनी आबादी के हिसाब से एससी एसटी और ओबीसी के बीच आरक्षण का वर्गीकरण करती हैं। मौजूदा समय में कई राज्यों में 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया जा रहा है, जैसे तमिलनाडु में 68% और झारखंड में 60%। साल 1991 में इंदिरा साहनी केस की सुनवाई करते हुए 9 जजों की बेंच ने कहा था कि आरक्षित स्थानों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 50% पे आप कोटा रख सकते हैं, 50% पे आपका एक फेयर कॉम्पिटिशन जो ओपन कॉम्पिटिशन होता है वो रह सकता है। चौथी सुर्खी संसद सत्र से जुड़ी हुई है। संसद में आज बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्यसभा में सदन में महिला सदस्यों को बोलने के लिए विशेष अवसर दिया गया। महिला दिवस पर चर्चा के दौरान शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 50% प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने कहा कि जब हम आबादी का 50% हैं तो हमारा प्रतिनिधित्व भी इतना ही होना चाहिए। हमने 24 साल पहले ये शुरुआत की थी पार्लियामेंट से कि हम 33% रिजर्वेशन लाएंगे महिलाओं के लिए। मैं मानती हूँ 24 साल के बाद हमें ये जो आंकड़ा है 50% कर देना चाहिए। जब हम 50% आबादी हैं तो 50% हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो, पार्लियामेंट में हो या असेंबली में क्यों ना हो। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा के लिए शून्यकाल स्थगित करने की मांग की, जिस पर हंगामा शुरू हो गया और कार्रवाई 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर चर्चा की मांग करने लगे, लेकिन उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया और कार्रवाई पहले 1 बजे तक और फिर अगले दिन तक के लिए स्थगित की गई। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लोकसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने लोकसभा में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर चर्चा कराने की मांग की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने कहा कि आज महिला दिवस है, महिलाओं के लिए गैस की बढ़ती कीमत सबसे अहम मुद्दा है, ऐसे में महिला दिवस पर चर्चा के साथ साथ इस मुद्दे पर भी चर्चा की अनुमति दी जाए। इसी के साथ उन्होंने पंजाब में पेट्रोल डीजल पर ज्यादा वैट वसूले जाने को लेकर कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही को शाम 7 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। आखिरी सुर्खी बंगाल से है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज महिला दिवस पर कोलकाता में पैदल मार्च कर बीजेपी शासित राज्यों गुजरात और यूपी में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध का मुद्दा उठा दिया और बीजेपी पर हमला बोला। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली संभालो फिर बंगाल की तरफ देखना, बंगाल पर जितना हमला करोगे उतना ही जवाब मिलेगा, ये उनके शब्द थे। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां महिला वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही हैं। आपको कुछ फिगर्स भी दे देते हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 7,32,00,000 वोटर हैं। इनमें पुरुष वोटर्स हैं 3,73,00,000 और महिला वोटर हैं 3,59,00,000। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बार 291 में से 50 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारे हैं। ममता ने कन्याश्री, रूपाश्री और मातृत्व शिशु देखभाल जैसी योजनाओं से भी महिलाओं को लुभाने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा टीएमसी का कैंपेन भी इस बार बंगाल की बेटी ही चाहिए इस नारे पर आधारित है। जवाब में बीजेपी ने अपने महिला मोर्चे को भी सड़क पर उतार दिया है। बीजेपी इससे पहले कई मौकों पर सरकार में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध का मुद्दा उठा चुकी है, यानी बंगाल सरकार ममता बनर्जी की सरकार के तले। हाल ही में एक 85 साल की बुजुर्ग महिला पर हमले का आरोप लगाकर बीजेपी ने टीएमसी पर सवाल उठाए थे, जिसका जवाब देने में ममता बनर्जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ममता बनर्जी ने यूपी के अपराध को उछालकर बीजेपी को घेरा। दूसरी तरफ टीएमसी के नेताओं का पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल होना अभी भी जारी है। आज टीएमसी के 5 विधायकों ने पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली। इन सभी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, सुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय जैसे नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। इन 5 विधायकों को इस बार टीएमसी ने टिकट नहीं दिया है। इनमें सिंगूर सीट से विधायक रविंद्रनाथ भट्टाचार्य भी शामिल हैं। रविंद्रनाथ सिंगूर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे, उन्हें भी टीएमसी ने टिकट नहीं दिया था।
अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड को बने 20 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं, अभी वहां चौथी विधानसभा का कार्यकाल पूरा होना बाकी है। लेकिन आप वहां के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट अगर देखेंगे तो आपको नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी और एनडी तिवारी जैसे नामों से शुरू हुआ एक लंबा सिलसिला मिलेगा जो त्रिवेंद्र सिंह रावत तक आता है। 20 साल से कम में ही 8 अलग अलग मुख्यमंत्री 11 बार शपथ ले चुके हैं। सिर्फ एक मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर पाए हैं, कांग्रेस नेता एनडी तिवारी। दूसरे नंबर पर हैं 4 साल पूरे कर चुके लगभग भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत। और आज उत्तराखंड की बात इन्हीं के चलते हो रही है। उत्तराखंड के अखबार खबर पर खबर छाप रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी खतरे में है, और ये खतरा किसी दूसरी पार्टी से नहीं, खुद भाजपा के अंदर मचे घमासान से पैदा हुआ है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, भाजपा सांसद अजय भट्ट और रावत कैबिनेट में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, एक और मंत्री धन सिंह रावत, इन सब लोगों का नाम सीएम पद के लिए चलने लगा है। आइए समझते हैं कि यह घमासान मचा कैसे। उत्तराखंड में चुनाव हुए थे 2017 में, तब तक उत्तराखंड में हर चुनाव में सत्ताधारी दल हारा था। फिर कांग्रेस की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने तो अपने 5 सालों में 2 राष्ट्रपति शासन देखे थे, 2 मुख्यमंत्री और 4 शपथ ग्रहण समारोह। नतीजे आए तो भाजपा के पास प्रचंड बहुमत था, विधानसभा की 70 में से 56 सीटें वो जीते। पार्टी ने सीएम बनाया त्रिवेंद्र सिंह रावत को। अब उत्तराखंड में सीएम की कुर्सी के खिसकने वाली तासीर के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। तो 2020 के दूसरे हिस्से में खबरें आने लगी कि उत्तराखंड में भाजपा के विधायक अपनी समस्याओं को लेकर सीधे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेटर लिख दे रहे हैं। इंटरनेट का जमाना है तो चिट्ठियां वायरल भी होती रहीं। सितंबर 2020 में उमेश शर्मा काऊ ने जेपी नड्डा को खत लिखा, ये विधायक हैं उत्तराखंड में भाजपा के, शिकायत की कि उनके इलाके में विकास नहीं हो रहा है। इसी महीने में लोहाघाट से विधायक पूरन सिंह फरत्याल ने भी एक सड़क को लेकर नड्डा को खत लिखा। इन दोनों खतों से पहले सूबे में भाजपा के अध्यक्ष रहे बिचन सिंह चौपाल भी एक ऐसा ही खत जेपी नड्डा को लिख चुके थे और मिलने के लिए समय मांग चुके थे। इस तरह उत्तराखंड में अपनी ही सरकार के काम से नाराज विधायकों की लिस्ट लंबी होती गई। लेकिन चिट्ठी पत्री को त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की भाजपा इकाई मैनेज कर ले गए। अगली समस्या आई 2021 में, जब सरकार के 4 साल पूरे होने वाले थे, यानी कि अभी का वक्त। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। इसे 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक चलना था, लेकिन 4 मार्च को रावत सरकार की तरफ से एक ऐसा ऐलान हो गया जिसने बजट सत्र के बीचों बीच बवाल खड़ा किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने गैरसैंण को एक नया मंडल या कमिश्नरेट बना दिया। उत्तराखंड को जब से अलग राज्य बनाने की मांग शुरू हुई है, तकरीबन तभी से ये एक विचार था कि नए सूबे के पास एक नई राजधानी भी होनी चाहिए, और कहाँ होनी चाहिए, जो दो बड़े इलाके हैं कुमाऊं और गढ़वाल इनके बीच में पड़े, ताकि दोनों बड़े हिस्से राजधानी की सुविधाओं का समान रूप से भोग कर सके, अपने काम के लिए आ सकें। उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों इलाकों की अपनी अलहदा पहचान है, सांस्कृतिक स्वाभिमान है, और सूबे की राजनीति भी इन्हीं चीज़ों को कंसिडर करते हुए दो पहिए बना के चलती है। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों तरफ के नेता हैं, दोनों तरफ के प्रभावशाली नेता अपने अपने हिसाब से लीवर्स पुल करते हैं। साल 2000 में सूबा तो बन गया, लेकिन गैरसैंण में राजधानी का काम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा, क्योंकि सारा काम देहरादून से हो ही रहा था। जब विजय बहुगुणा कांग्रेस सरकार के सीएम होते थे, तब 2013 में गैरसैंण में विधानसभा के लिए भूमि पूजन हुआ। हरीश रावत सरकार के वक्त से यहाँ कुछ 6 बार सत्र भी हुए। 2020 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने फैसला लिया कि गैरसैंण को सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी माना जाएगा। गैरसैंण पूरी तहसील का नाम है, तो राजधानी के लिए जो इलाका तय हुआ था उसका आधिकारिक नाम तय हुआ भराड़ी सैंण। इतनी बातों को जानकर आपके मन में सवाल आ सकता है कि फिर गैरसैंण को नया कमिश्नरेट बनाने से ऐसा भूचाल कैसे आ सकता है कि किसी सीएम को दिल्ली तलब किया जाए। इसके लिए देखिए कि इस नए मंडल में जिले आए कहां से। गैरसैंण के नए मंडल में कुमाऊं से अल्मोड़ा और बागेश्वर को लिया गया है, और गढ़वाल से रुद्रप्रयाग और चमोली, इन दो जिलों को, है ना, दोनों मंडलों से लिए गए हैं। इनका काम देखने के लिए एक कमिश्नर और एक डीआईजी को नियुक्त होना है। उत्तराखंड के पत्रकार बताते हैं कि कुमाऊं के नेता इस बात से खुश नहीं थे कि उन्हें अब अपने काम के लिए गढ़वाल आना पड़ेगा। याद दिला देते हैं, गैरसैंण पड़ता है चमोली में, जो कि गढ़वाल में आता है। कांग्रेस नेताओं ने तो इस कदम का विरोध किया ही,
कहा कि गैरसैंण को पहले जिला बनाया जाता तो शायद जनता का ज्यादा फायदा होता, लेकिन छन छन कर खबरें ये भी बाहर आई कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के कैबिनेट में ही बैठने वाले दो मंत्री हरक सिंह रावत और सतपाल महाराज जैसे नेता भी इस बात से नाराज हैं। ऐसी बात दिल्ली में मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को लेकर भी कही गई। इसी बात ने उन सभी को मौका दे दिया जिन्हें त्रिवेंद्र सिंह रावत से कोई भी शिकायत थी। हालात इतने खराब हो गए कि 6 मार्च को बजट सत्र के बीचों बीच भाजपा कोर कमेटी की बैठक बुला ली गई, जिसके लिए दिल्ली से ऑब्जर्वर पहुंचे रमन सिंह और दुष्यंत गौतम। उत्तराखंड में भाजपा सांसद अजय भट्ट और नरेश बंसल जैसे नेता भी इस मीटिंग के लिए आए। सुबह में भाजपा के अध्यक्ष बंसीधर भगत ने कहा तो कि वर्किंग कमेटी की बैठक की तैयारी के लिए ये मुलाकात हुई है, लेकिन ये बात बाहर आ गई कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। बजट सत्र बिना सूचना बीचों बीच खत्म हो गया और भाजपा के सभी विधायकों को हवाई रास्ते से देहरादून लाया गया। 6 मार्च वाली मीटिंग के दिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी देहरादून में थे। ये पहले सीएम रह चुके हैं भाजपा के उसी सूबे में, लेकिन वो मीटिंग में पहुंचे नहीं। उन्होंने हवाई अड्डे पर रमन सिंह और दुष्यंत गौतम से मुलाकात की। इन दो नेताओं ने दिल्ली पहुंचकर अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दी और 8 मार्च यानी कि आज के रोज त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली तलब किया गया। जाहिर तौर पर प्रेस ने उनसे जानना चाहा कि दिल्ली में उन्हें क्या काम है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं नहीं देखिए, अब आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है, वो मुझे भी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। वैसे आपको ये भी जानना चाहिए कि भाजपा के कम से कम 17 विधायक भी दिल्ली आए हैं जिन्हें रावत विरोधी खेमे का बताया जा रहा है, और ये उत्तराखंड भवन या सदन की जगह किसी होटल में रुके बताए जाते हैं। खैर लौटते हैं रावत पर। रावत भले कहें कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन उत्तराखंड के अखबार पढ़ने पर आपको अलग ही तस्वीर नजर आती है। कुछ बातें हैं जो आरोपों की शक्ल में है, इनकी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस लेवल की समस्या चल रही है। आपको ये बहुत जगह लिखा मिलेगा कि कई विधायक रावत के काम करने के तरीके से असंतुष्ट हैं। फिर सरकार के ऐसे कुछ फैसले रहे हैं जिनसे संघ परिवार नाराज बताया जा रहा है। मिसाल के लिए मंदिरों का प्रशासन सरकार के हाथ में देना, हरिद्वार में शराब का कारखाना खुलना और कुंभ मेले की तैयारी। लेकिन क्या बात इतनी ही थी? क्या रावत इन बातों के बावजूद अपनी कुर्सी बचा सकते हैं? इन सवालों के जवाब हमने विशेषज्ञों से जाने। देखिए मैं थोड़ी पृष्ठभूमि इसकी बताना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में सुगबुगाहट थी और एक धड़ा जो था विधायकों का और मंत्रियों का वो नाराज था। बीजेपी की स्थिति जो है उत्तराखंड में, ये कहा जाए कि पिछले 6 महीने से केंद्रीय पार्टी जो है उसको फीडबैक मिल रही थी कि बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है। खासकर चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो फंक्शनिंग है, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, उसको लेके परेशानी थी। इसमें कुछ मोटे मोटे इशू हैं। एक, उनको कहा जाता है कि वो इनएक्सेसिबल है, लोग उन तक पहुंच नहीं पाते। दूसरे, उनका व्यवहार काफी रूखा है। तीसरा, उनके खिलाफ ये परेशानी है कि वो बहुत स्लो माने जा रहे हैं, यानी क्विक डिसीजन मेकिंग जो कि मोदी सरकार अपने आप को कहती है कि हम ये करते हैं, वो नहीं ले पा रहे। इसके अलावा अभी हाल में जो ये कुंभ चल रहा है उसमें एक एक्सपेक्टेशन थी कि बीजेपी ने, जैसे योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद में महाकुंभ के समय इतनी वाहवाही अर्जित करी कि वो एक शोकेसिंग हो गया उस सरकार का कि किस तरह का कुंभ कराया गया। और खासकर बीजेपी जैसी पार्टी जो कि हिंदुवादी अपने अकाउ कहती है, अगर कुंभ वहां एक सफल और शोकेसिंग या हाईलाइट वाला नहीं रहा तो बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब है। ये सब परेशानियां चली रही थी। इस बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने क्या किया कि वहां के जो बड़े बड़े धाम हैं, करीब 71 हैं वहां पे उत्तराखंड में, उनका सरकारीकरण कर दिया, यानी एक देवस्थानम बोर्ड बना करके उन सबको उनके अंदर ले आए। अब देखिए कि बड़े मंदिर जो है उनकी मठाधीशी उत्तराखंड में बहुत मशहूर है, उनको नहीं पसंद कि उनको किसी एक बोर्ड के अंदर ले आया गया। तो इसको लेकर के ये जो बड़े बड़े मठ हैं, आश्रम है और धाम है, इनके जो चलाने वाले हैं उनमें नाराजगी हुई। और ये बहुत अहम वोट है। देखिए आपको, आप ये जानते हैं कि उत्तराखंड देव भूमि कहलाता है, वो इन्हीं मंदिरों और धामों के कारण कहलाता है। अगर वहां के पुजारी और मठाधीश नाराज हो जाए बीजेपी से तो बीजेपी के लिए खुशी का सबब नहीं है। इसको देखते हुए जो नाराजगी थी वो बढ़ती गई। 10 के करीब विधायक जिनमें 4 मंत्री हैं वो दिल्ली पहुंच गए। उधर क्या हुआ कि बीजेपी ने एक खतरा देखते हुए कि एक साल बाद चुनाव है अगले साल, दो ऑब्जर्वर भेजे, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और दुष्यंत गौतम जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं वहां के इंचार्ज। वो ऐसे समय पे पहुंचे जब सरकार ने अपना बजट
यानी मुख्यमंत्री जो कि फाइनेंस पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, उन्होंने अपना बजट प्रेजेंट किया था, अगले दिन उनको सत्र को बंद करना पड़ा कि वहां पे मुश्किल हो गई। ऐसी पृष्ठभूमि में उनको दिल्ली तलब किया गया। दिल्ली तलब किए जाने के बाद उम्मीद थी कि आज वो मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा से, लेकिन देखिए ये बीजेपी में थोड़ी परेशानी का सबब है, इसलिए हमें लगता है कि मीटिंग को खुले रूप से, क्योंकि जेपी नड्डा जी के घर पे 4:30-5 बजे उनका आना तय था, तो खुले में मीटिंग नहीं चाहती थी पार्टी। इसको लेकर के नड्डा साहब चले गए, अमित शाह तक वहां डिस्कशन हुआ है। देखिए एक बड़ा फैसला करना है बीजेपी को। त्रिवेंद्र सिंह रावत हालांकि बहुत सक्षम मुख्यमंत्री नहीं साबित हुए होंगे, लेकिन जात का जो इक्वेशन है उत्तराखंड का, उसमें रावत जो है, जो उनकी कास्ट है, वो काफी डोमिनेंट मानी जाती है। एक समय पे कोश्यारी साहब रहे और उसके बाद खंडूरी साहब रहे, तो कास्ट का इक्वेशन उत्तराखंड में बहुत बड़ा मामला है और उनकी कास्ट को नाराज नहीं करा जा सकता। इसको देखते हुए बातचीत ये चल रही है कि थोड़े मंत्रिमंडल में 3 सीटें खाली हैं, क्या विधायकों को वो दे दिया जाए। इस तरह की तमाम बातचीत अभी चल रही है। मीटिंग जेपी नड्डा से रावत जी की अभी होनी बाकी है। सर एक हम चाहते हैं कि एक कयास भी आप लगाएं, मतलब अपनी समझ भर की, जिससे हमारे दर्शक थोड़ा इन्फॉर्म हो सके कि किस डायरेक्शन में, जैसे आपने भी हाईलाइट किया कि अभी एक ही साल रहता है और उत्तराखंड में एनडी तिवारी को छोड़ दें तो कोई मुख्यमंत्री 5 साल अपने पूरे कर नहीं पाया है, और वही एक तरह से समय अब रावत साहब के लिए भी आ गया। कितनी संभावना इस बात की कि एक समझाइश के साथ रावत वापस चले जाएं अपनी राजधानी और मंत्रिमंडल में मैनेज हो जाए, या फिर जिस तरह उत्तराखंड के अखबारों में लिख रहा है वो लोग बहुत सारे नाम डिस्कस कर रहे हैं। सतपाल महाराज का नाम है, धन सिंह रावत है, वो भी रावत ही है, शिक्षा मंत्री पोखरियाल रमेश पोखरियाल निशंक का भी नाम चल रहा था कि इनको भी कंसीडर किया जा सकता है, ये पहले भी सीएम रहे। क्या फेस चेंज के की कोई भी संभावना है, या फिर ये ऐसा क्राइसिस है जो मैनेज हो जाए? देखिए निशंक, ये बात तय और लग रही है कि जो दो ऑब्जर्वर थे, रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के और दुष्यंत गौतम, उनकी रिपोर्ट बहुत नेगेटिव है। उनके उनकी तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसका इंडिकेशन ये है कि वहां पे जरूरत है चेंज की, यानी कि पूरे पूरे इकोसिस्टम को बीजेपी चेंज करे, जिस तरह की डिसीजन मेकिंग है, मुख्यमंत्री है, तमाम चीजें। इसको देखते हुए अगर ये बात बीजेपी इतनी दूर तक नहीं लाती कि उनको दिल्ली बुलाया जाता, कहीं अगर उनकी लीडरशिप पे सवालिया निशान नहीं होता और बीजेपी के अंदर ये आशंका नहीं होती कि इस आदमी के या इस नेता के अंडर हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, अगर वो दिल्ली आए हैं, बुलाए गए हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बीजेपी आकलन कर चुकी है कि उनके रहते नुकसान हो सकता है। मेरे ख्याल से आगे की जो कवायद वो ये है कि उनका ऑल्टरनेटिव कौन हो, कौन उनकी जगह आए, वो नाम कैसा हो जो कि वो कर पाए जो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं कर सके या आगे नहीं कर पाएंगे। और इसमें गौरतलब बात यह है कि एक तरफ उनके जाने की बात हो रही है, चेंज की बात हो रही है, और उन्होंने वही एक और इशारा किया कि शाम को उनको 5 बजे अगर नड्डा साहब के घर आना था तो वो सरफ्रिय विहार, दिल्ली की साउथ दिल्ली की एक कॉलोनी है, वहां पे एक आश्रम है, वहां एक बाबा है, उनसे मिलने पहुंच गए। तो कहा जाता है कि जब बुरा समय आए तो आप अपना हाथ बचवा लो या सितारे पढ़वा लो, तो ये कवायद उन्होंने अपनी तरह से शुरू की है। अगले 2 दिन मैं कहूंगा रावत साहब के लिए बहुत क्रिटिकल है। बीजेपी को आकलन यही करना है कि उनको हटा के किसी और को लाने में बीजेपी को कितना फायदा है और उनको हटाए जाने में कितना नुकसान है। ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर बीजेपी पूरी कर लेती है जल्दी, और उसमें ये हो जाता है कि बेनिफिट ज्यादा होंगे, तो ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री में बदलाव हो सकता है। डेयर ऑन टॉप शो में आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। हमारी खास पेशकश ऑर्डिनरी शो भी जरूर देखिए, इसके लिए आपको ऑर्डिनरी के ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर जाना होगा। देखते रहिए डेयर ऑन टॉप, शुक्रिया। औरतों के बारे में एक बहुत बड़ा मिथक, एक बहुत बड़ा झूठ प्रचलित है कि उन्हें गिफ्ट देते रहो तो वो खुश रहती है। बाजार लगातार इस सोच को भुनाता रहता है और विमेंस डे महज एक और शॉपिंग डे बनकर रह जाता है। अरे जनाब, अपने शौक की चीजें खरीदना किसे नहीं पसंद होता, इसमें क्या औरत और क्या मर्द। खैर, इस शो में आज हम बस एक ही अपील करना चाहते हैं कि इस दिन को अगर आप सचमुच सार्थक बनाना चाहते हैं तो बैठकर सोचें, अभी आज का दिन खत्म होने में कुछ घंटे बाकी हैं। बैठकर सोचें कि 150 साल पहले शुरू हुई हक की ये लड़ाई आज भी खत्म क्यों नहीं होती। आज हमारे पास वोटिंग राइट्स तो हैं, मगर संसद में कितनी फीसद औरतें हैं,
महज 13%, आधे के आधे के भी आधी। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।